हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज फिटनेस व्लॉगर। तो दोस्तों, बहुत ही सुहावने व्यू के साथ आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको दिखा रही हूँ आसपास का सारा व्यू, क्योंकि आजकल मॉनसून है तो बहुत ही प्यारा फॉग वाला मौसम होता है सुबह सुबह ही। और ये कौवा भी रोज आके मेरे को ज्वाइन कर लेता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको भी फ्लाइंग किस भी दे रही हूँ। मॉर्निंग में ना मैं और कौवे जागे होते हैं, बाकी सारे सोए होते हैं। मुझे कभी कभी लगता है ना, इस टाइम पर अगर मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी ना, जैसे मैं अभी बोलूँ तो सारे आसपास के लोग जाग जाएंगे, सोचेंगे पागल वागल हो गई है क्या। चलो छोड़ो इन बातों को। पर गाइज, ये है मेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, हाई नी जैक। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है। इसको मैं कर रही हूँ एक जंप की तरह। ठीक है, जंप की तरह आप इसको करोगे ना तो आपका बैली तो ये कम करेगी करेगी, साथ में हमारा जो है ये फुल बॉडी फैट लॉस करेगी। और जहाँ भी हमारी जंप की बात आती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारा फुल बॉडी फैट लॉस ना हो, क्योंकि जंप एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी का फैट ख़त्म करती है। तो गाइज, मैंने इसके लगातार कर लिए 50 सेट। ठीक है, आपकी बॉडी जितनी भी अलाउ कर रही है, 30 कर पा रही हो या 20 कर पा रहे हो, उतने आपको करने हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेनी है, फिर से आपको 20-30 करने हैं। इस तरह से अगर आप बिगिनर हो, हैवी वेट है, आपके लिए 50 इनफ है। 50 आप करो, जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगी सबके, अगर आप 50-50 भी करते हो तब भी आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं। और आपको साथ में क्या करना है, खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाओ, बाहर का ना तला भुना बिल्कुल छोड़ दो। मैं आज की बात बताऊँ ना आपको, तो आज मेरे घर पे पिज़्ज़ा आया था, मोमोज आए थे, बर्गर आया था, बट मैंने उसमें से कुछ भी नहीं खाया। इसे बोलते हैं कंट्रोल गाइस, क्योंकि आज जब जिस दिन आपके अंदर ये कंट्रोल आ गया ना कि मैंने नहीं खाना है, मैंने खुद को स्लिम करना है, फिट करना है और हेल्दी रहना है, आपको खुद इन चीज़ों से ना धीरे धीरे दूर चले जाओगे आप। कभी कभार कर लो हफ्ते में एक आधा चीट मील, बट कोशिश करो कि बाहर का जितना कम हो सके उतना कम खाओ। खासकर जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, मैं तो बोलती हूँ बाहर का अवॉइड ही कर दो। एक तो इतना ज़्यादा ऑयली खाना होता है बाहर का, इतना ज़्यादा आपको क्या पता कौन से तेल में वो बना हुआ है, कितने दिनों का तेल है, या मैदा पूरी बॉडी में जाके चिपक जाता है, तभी तो फैट बढ़ता है, क्योंकि मैदा जो होता है ना बहुत कम टाइम लेता है पचने में। तो आपको चीज़ें थोड़ा इग्नोर करनी है। तो गाइज, ये मेरी सेकंड वाली एक्सरसाइज है, इसको भी मैं ना ज़रूर इंक्लूड करती हूँ अपनी एक्सरसाइज में, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये बैली हमारा बहुत जल्दी अंदर कर देती है। तो मैं इस एक्सरसाइज को चाहे मैं 50 ही सेट करूँ रोज पर, मैं करती ज़रूर हूँ इस एक्सरसाइज के। लास्ट में करूँ चाहे कभी भी करूँ, पर मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है ये। और अभी चल, जैसे मेरी कोई किसी एक्सरसाइज के 50 या 40 जितने भी सेट मैं करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ना 1-2 मिनट की अच्छे से वॉक ले लेती हूँ, ताकि मेरी बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाए और फिर से मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। माना आपने 30 की, अगर आप थक रहे हो तो आप 1-2 मिनट की वॉक ले लो, बस आपके पास टाइम होना चाहिए। एक्सरसाइज ये नहीं बोलती कि तुम कंटिन्यू करे जा रहे हो, बॉडी को खूब तकलीफ दे रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ पसीना निकालना ज़रूरी है, तभी आपका वेट कम होगा, पर ये नहीं है कि आप कंटिन्यू 100 सेट कर लो, 50 कर लो। देखो, मैं आज 50 कर पा रही हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, 30 करने हैं या 20 करने हैं, थोड़ी सी रेस्ट लेनी है, फिर 30 या 20 करने हैं। तो गाइज, इस तरह से आप करोगे ना तो आपको तब भी बहुत औसम रिज़ल्ट दिखेंगे। एंड गाइज, ये मेरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यूज़फुल एक्सरसाइज, जिनका पीठ का और साइड के टायर होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी बर्न कर देती है। सारी एक्सरसाइज को मैं यूज़फुल बोलती हूँ, क्योंकि सारी ही एक्सरसाइज भाई बहुत यूज़फुल होती हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो यूज़फुल नहीं है। तो सारी एक्सरसाइज के आपने 50-50 सेट लेके चढ़ने हैं, घर का खाना खाना है, ओवर ईटिंग मत करो, चाहे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहो, पर खाना है सिर्फ घर का खाना, फ्रूट खा लिए या कोई अच्छी सी चाट बना के खा ली, जो स्प्राउट्स होते हैं उनकी चाट भी बहुत टेस्टी बनती है, वो बना के खा ली, इस तरह से आप खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको डिनर जो है वो जल्दी करना पड़ेगा, अगर आप बहुत जल्दी फास्ट रिज़ल्ट चाहते हो कि भाई हमें बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाए, हमें जल्द से जल्द अपना वज़न घटाना है, बहुत तंग आ चुके हैं, तो आपको जो है रात का डिनर
स्किप करना पड़ेगा, अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो 5:30 या 6 बजे कुछ हल्का फुल्का सा डिनर खा लो। मतलब 2 रोटी की भूख है, एक खाओ, सब्जी या दाल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दो, रोटी की थोड़ी कम कर दो। अगर इसकी जगह पे आप ले सकते हो तो रागी की रोटी या मल्टीग्रेन आटे की रोटी लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो इस तरह का खाना आप खा सकते हो, और सैलड खूब सारा खाया करो, खीरे या प्याज वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी खाते रहा करो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है और जो आपकी क्रेविंग होती है बाबा जगती है कि मैंने ये खाना है वो खाना है, उसको भी थोड़ा कम करता है सैलड। तो गाइस इधर मेरी वॉक ही चल रही है, मैं जब मुझे लगता है ना कि मेरी बॉडी थोड़ी सी थक गई है मैं तो वॉक करने लग जाती हूँ, इससे मुझे बहुत ही आनंद आता है। मुझे जब मैं एक तरह का मेरा ये नॉर्मल वाली एक्सरसाइज भी हो गई, वॉक हो गई, और दूसरा जब थोड़ी सी एनर्जी आ गई फिर से लग जाती हूँ मैं एक्सरसाइज करने, इसी तरह से तो यार वेट कम होता है। अगर ये थोड़ा कि बस मैं कंटिन्यू करते जा रही हूँ अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हूँ तभी, नहीं 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 करो, टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट भी दो अपनी बॉडी को, ठीक है। तो गाइज अब मैंने अपना कैमरा थोड़ा सा मोड़ लिया, मैंने सोचा मैं आपको इस तरह से भी करके दिखाती हूँ कि आप इसके जैसे मैंने रेलिंग का सहारा लिया, ये थोड़ा सा स्पेस था, बट आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हो, छोटी सी कोई भी चीज़, पिल्लो रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, या कोई ना सीढ़ियाँ हो तो सीढ़ियों पे भी कर सकते हो आप इस तरह से। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्पेस थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो मैंने इसके बस ऐसे किए 10 या 20 सेट किए, फिर मैंने कैमरा दोबारा से मोड़ लिया। मुझे लगा यहाँ पे मेरी बात नहीं बनने वाली क्योंकि यहाँ स्पेस कम था और मुझे चाहिए उसके लिए ज़्यादा स्पेस, यानी कि सीढ़ियाँ वगैरह होती ना तो काफ़ी अच्छा रहता। तो गाइज अभी इधर फिर से मेरी वॉक चल पड़ी, मैंने इस एक्सरसाइज को ट्राई किया, फिर से मेरी वॉक चल पड़ी है। और इधर ना मतलब मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बहुत स्वेटिंग हो रही थी मेरे को, बहुत पसीना भी आ रहा था, बट एक्सरसाइज तो करनी थी मैंने, जो भी करनी थी वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज आपने भी इस तरह से ट्राई करना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, जो भी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करो, बहुत जल्दी आपका वेट कम हो जाएगा। ये मेरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, इस तरह से आपको बाजू सीधे कर लेनी है और नीज़ को ऊपर उठाना है, ये भी हमारा बैली फैट बहुत जल्दी कम कर देती है। जिसमें भी हमारा इस तरह की एक्सरसाइज होती है, चलना दौड़ना कूदना, उनसे हमारा फुल बॉडी फैट लॉस भी होता है। तो एक तरह से वॉक है और वॉक से हमारा वेट भी कम होता है, बट हम पर्टिकुलर अपने पेट पे भी प्रेशर दे रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है हमारा पेट भी बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। आजकल पेट की तो सबको समस्या है, तो उसको भी हम जो है सॉल्व करते जाएंगे, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो हमारा पेट तो कम करेगी साथ में हमारा फुल बॉडी फैट लॉस करेगी। तो गाइस कभी कभी कुछ बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर लड़कियां हैं जो बोलती हैं मेरी उम्र 20 या 23 साल है, वो मुझे पूछती हैं कि मैम अभी मेरी उम्र ना इतनी और मेरा वेट इतना बढ़ गया, मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ब्रेस्ट फैट भी बढ़ गया है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आपने ये सारी एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करना, जैसे मैंने बताया ना जंप करके, उस तरह से आप करना रोज़, ठीक है। आप तो यंग हो, आप तो खाना अगर नहीं भी खाओगे रात को तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप कर सकते हो कंट्रोल, तो करना कंट्रोल, रात का खाना स्किप कर दो, दिन में खा लो जो मर्जी आपने खाना है खाते रहो, वो उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा, बस मीठा और रात का खाना अवॉइड कर दो, आप एक हफ्ते में क्या 3-4 दिन में रिजल्ट दिख जाएंगे आपको। एंड गाइज ये मेरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, यानी कि लास्ट वाली है, ये ना खासकर उन लोगों के लिए है जो जंप नहीं कर सकते। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा था, उसमें उन्होंने बोला था कि मेरा 120 किलो वेट है, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो 120 किलो वेट है, मैं जंप करता हूँ सांस फूल जाती है, दौड़ता हूँ तो सांस फूल जाती है, बट मुझे वेट कम करना है मैं क्या करूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इस वाली एक्सरसाइज को रोज़ करना, 100-100 सेट करना, आपका वेट कम हो जाएगा। साथ में मैंने आपको बताया है कि रात का खाना स्किप करके आपको दिन में खा लो जो मर्जी खाना है, खाना चाहे 3-4 टाइम का खाओ, आप खाओ 5:30 बजे से पहले, बस रात को जो है खाना नहीं खाना है, 3 या 4-5 बार भी खा लो आप खाना 5:30 बजे तक, 6 बजे तक, उसके बाद कुछ मत खाओ, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में 8 या 9 बजे खाओ, आपका वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सॉरी गाइज मैं लास्ट वाली बोल रही थी बट मैंने इसके बाद ये भी करी थी, एक तरह की जंप ही है, जंपिंग जैक्स, मतलब जंपिंग जैक्स में तो पूरी उसको घुमाते हैं हाथों को भी, बट ये भी बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज।
बस सारी एक्सरसाइज के आपको करने हैं 50-50 सेट, बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो गाइज ये था मेरा आज का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वर्कआउट, कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। बाय बाय।